हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन के इस चैनल पर प्रीतेश भार्गव आपका स्वागत करता है। समय दीजिए, आपका हर रिश्ता, आपका हर संबंध सुधर जाएगा। हमें शांति नहीं है, हम कोई भी चीज़ वीडियो देखते हैं, 5 मिनट का वीडियो देखते हैं, 2 मिनट बाद बोर हो जाते हैं। आपके बारे में अगर कोई ऐसा कहे तो मैं आपसे बोर हो गया हूँ तो कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा। यस, हम लोग किसी चीज़ को समय नहीं देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में बिगड़ते हुए रिश्ते, उनको समय नहीं देता इंसान। समय देगा, समय सब सुधार देता, हर घाव भर देता है समय। एक बैदराज था, कहानी सुनाता हूँ, कहीं से मैंने पढ़ी थी, मुझे याद आती है। एक बैदराज था, उनकी सिर्फ एक पुत्री थी। पुत्री से अटूट प्रेम करते थे, एक औलाद होती है तो कौन प्रेम नहीं करेगा। तो एक ही बच्ची थी, बड़े लाल पाल से उसको पालते, उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं, उसकी जेठानी से उसकी पटती नहीं, जेठानी और उसके बीच में बहुत ज़्यादा चिक 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 होती थी। 1 साल 2 साल 3 साल करते 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 समय निकलता गया और वो चलती रही, चलता रहा। उनकी चिक 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 चलती रही। उन दोनों के बीच में इतनी हो गई क्योंकि हस्बैंड से उसकी लड़ाई हो गई और वो कहने लगी, मैं मायके जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मायके वापस आ जाती है। पिताजी से बोलती है, पिताजी मैं नहीं रह सकती वहाँ पर, अब मैं यहीं पर कुछ करूँगी, मैं अपने बच्चों को ही देखूँगी, मैं नहीं रह सकती, जेठानी के साथ मैं रह नहीं सकता कुछ। बोलते बेटा बात क्या है? बोले कुछ नहीं, वो मेरे को नहीं रहना, रोज चिक 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 चिक। आप एक काम करिए, या फिर अगर वहाँ भेज रहे हैं तो कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए, मैं उसको मार डालूँ, मैं स्वतंत्र रहूँ, उसके साथ मैं नहीं रह सकती, मेरा नहीं जम सकता। बोले बेटा समय सब सही कर देगा, क्यों घबरा रही? बोले नहीं। बोले ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, लगभग 1 साल का समय लगेगा, और ये दवाई तुम्हें इकट्ठी नहीं देनी, नहीं तो इकट्ठी दोगी तो तुम्हारे ऊपर कुल का इल्ज़ाम आ जाएगा, और तुम इल्ज़ाम कहाँ तक, मतलब वो कुल मिलाकर तुम जो सुख लेने की सोचोगे वो तुम्हारे दुख में तब्दील हो जाएगा। तो हम मारे क्यों उसे, हम धीरे धीरे करके मारेंगे तो वो अपनी दुर्बलता से मर जाएगी, कमजोरी से मर जाएगी। बोलते ठीक है। वो लड़की तैयार होती है और बढ़िया पापा से दवाई लेती है, वो चली जाती है। पापा उसको बताते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना उसके खाने में, रोज इसको आपको कुछ नहीं करना, खाने में सिर्फ एक गोली डालना है इसकी। बोले बस। बोले हाँ। बोले 6 महीना साल भर के अंदर वो अपने आप सब चली जाएगी। ठीक है पापा जी, बहुत अच्छी बात है। वो आती है, बढ़िया आप उसका रहन सहन शुरू हो जाता, बढ़िया रहती है, रोज़ खाना बनाती, एक गोली डालती देती है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना अब वो जो चिक चिक होती थी वो थोड़ी सी कम होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि इसको जवाब नहीं देती। इसके मन में एक बात आ गई कि 1 साल की तो बात है, 1 साल में अपने को कोई टेंशन तो नहीं, 1 साल में धीरे धीरे करके ये सब अपन जाते जाते क्यों उसे कहें 6 महीने की बच्ची है, 8 महीने की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची है, 4 महीने की बच्ची है, ऐसे करते 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 और 10 महीने हो जाते हैं। 10 महीने हो जाते तो उसे लगता है कि यार ये जेठानी तो मुझे पल पल में मेरे को बहुत हर चीज़ का ध्यान रखती है, मेरे को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखती है। और वो जेठानी को लगा कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, इसमें बहुत परिवर्तन आ रहा है, मेरे को अच्छे से खिला रही है, पिला रही है, बढ़िया सब मेरी सेवा कर रही है। करते करते 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। अब 12 महीने जब कंप्लीट होता है तो वो पिताजी के पास आती है। जब 1 साल होने वाला होता है कि पिताजी पिताजी वो नानी जी वो तो बहुत अच्छी है, जेठानी वगैरह कितना केयर करती है, और वो नानी जी वो दवाई आपने दी थी? तो पिताजी बोलते हैं, बेटा वो तो मैंने पाचन क्रिया की दवाई दी थी। बोले क्या मतलब? बोले वो नहीं मरेगी, डोंट वरी, वो मैंने वो दवाई दी थी जैसे उसकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। बोले सच? बोले हाँ। बोले ठीक, दोनों अच्छे से रहने लगते। जब भी आपको कोई रिश्ता, कोई संबंध, किसी से कोई दोस्ती या कोई भी चीज़ बिगड़ती है, समय दीजिए। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड नीड्स टाइम, हर चीज़ समय दीजिए। कहते हैं ना, जब बहुत बुरा कुछ होता है और हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता, हम कहते हैं समय पर छोड़ दो, बस समय पे छोड़ दो, सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य जिंदगी में बहुत कुछ आगे कट जाएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय बाय।